आई होप आप लोगों को जो गुड न्यूज था गुड न्यूज अच्छा लगा होगा। सुबह की रोशनी, खुला आसमान और एक अच्छा सा चमचमाता हुआ सूरज और हम इंजॉय कर रहे हैं सुबह की मॉर्निंग को। आज मैं उठ गया था जल्दी से जल्दी, सुबह उठ गया था मैं, 8 बज चुके थे, नहीं 8 नहीं बज चुके थे गाइस, चिंता मत करो, 9 बजे उठ चुका था बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इंटर्नशिप की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो उसके चक्कर में जल्दी उठना पड़ रहा है। सो अभी अपना पूरा रूटीन जो है एकदम चेंज हो चुका है। ये रोटी मैं जाके गाय गौ माता को देकर आता हूँ, उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट के लिए अपना मोमो जो है फ्राइड कर लिया है तो उसको इंजॉय करने वाला हूँ। आप लोग सब मैं इंजॉय करूँगा, चिंता मत करो। पहले चलते हैं अपनी गौ माता को, थोड़ा सा ये देकर आते हैं। चलो, गौ माता आ रही है और हम देने के लिए रोटी आ चुके हैं घर के नीचे। और गौ माता ये देखो रोटी, और ये देखो गौ माता आ गई। ए, ए, आराम से भाई, आराम से आराम से, रोटी तो दे दिया गया। अब चलते घर में और अपना नाश्ता खाते हैं। गौ माता ने अपना नाश्ता कर लिया, अभी अपना टाइम का नाश्ता कर लिया जाए। एक काम करता हूँ मैं, आप लोगों को नाश्ता दिखाई देता हूँ, क्या बोलते हो, दिखा दिया जाए या नहीं दिखा दिया जाए। मोमो जो है ना वो बनाया था उस दिन और वापस बनाए मेरी मम्मी ने, तो मोमो फ्राई कर चुका है मैंने और आपका भाई आपको दिखाने वाला है फ्राइड मोमो। पानी ज़रूर आ रहा है, ब्रश आउट कर लिया है तो अभी जल्दी से जाना है और बस खाना है, बस खाने का वेट है। टीवी देखा जाएगा, चाय पिया जाएगा, रोटी थोड़ी सी खाई जाएगी और मोमो का लुत्फ़ उठाया जाएगा। इसको अच्छे से डेकोरेट कर देते ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, उसके अंदर फिर अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सिनेमैटिक व्यूज़। वाह वाह क्या बात है, सिनेमैटिक व्यूज़ देखने के लिए इतना एक्साइटेड, क्या बात है, सही है सही है, जो भी है सही है। उससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पुराने वीडियोस का बहुत आपने अच्छा रिस्पांस दिया, अगर ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चला जाना और एक नीचे में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा आपको, तो उसको रेड कलर का है उसको रेड से ग्रे कर दो, मतलब सब्सक्राइब कर दो। अब करते हैं सिनेमैटिक वीडियोस का स्टार्टअप। रख लिया बट नीचे में ये देखो कचड़े की गाड़ी जो होती है ना वो आ चुकी है और मेरे को जाना है जल्दी से नीचे में, तो मैं जल्दी से सामान ढालने के लिए जाता हूँ। स्वच्छ भारत अपना भारत, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया बोलते हैं ना। ओ तेरी, मोमो का सिनेमैटिक व्यूज लेने के चक्कर में मैं रह गया, उसके चक्कर में गाड़ी निकल गई। तो अब यही हो सकता है ना कि गाड़ी जब रिटर्न आएगी तब उस टाइम में ढाल दिया जाएगा। पापा को बोल दिया गया कि पापा आप ढाल देना बोलकर, तो पापा ने बोला कि हाँ श्योर श्योर श्योर, मतलब सब कुछ हो जाएगा। अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, बहुत मतलब भूख लग गई है यार, 11 बज चुके पता है। मोमो का सिनेमैटिक व्यूज आप लोगों को कैसा लगा है बताना मेरे को कमेंट में। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई का आप लोगों को, कर देना रिक्वेस्ट, पूरा फुलफिल कर देना। मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है और आज नाश्ते में बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता मिल रहा है, मतलब समझ रहे हो कि ऐसा हाल है अपना कि फ्राइड मोमो हो साथ में, परोठा हो साथ में, सब्जी हो साथ में, मतलब ग्रीन वेजीज हो साथ में, तीखी तीखी मिर्ची का फ्राई मिर्ची हो और एक फ्राइड राइस हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ चाय जरूर हो। चलिए से नाश्ता का व्यू देख लो आप लोग, ये रहा मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है एंड होप आप लोग इंजॉय करोगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो फ्लिपकार्ट से जो मेरा डिलीवरी जो मतलब उन्होंने जो पेमेंट नहीं किया था मेरे को, मतलब रिफंड, वो बाय लकली कल, माने डेट लॉकडाउन है ना, डेट याद नहीं रहती है, मान लो कल, मतलब आप जब वीडियो अपलोड होगी उस 2 दिन पहले रिटर्न कर दिया फ्लिपकार्ट ने मेरे को। बाय लकली आ चुका है, पेमेंट आ चुका है बट बहुत लेट हुआ, उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट।
बट अभी नाश्ता को एंजॉय करते हैं, वो चीज़ को याद नहीं करते। पानी आ रहा है मुँह में और भूख लग चुकी है, 11 बज चुके हैं। शाम को वक्त ऐसा हो चुका है कि मेरे को मन नहीं लग रहा है, और आप लोग से मैं कुछ शेयर करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, और जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी जो है कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए रख दी है, मतलब कोल्ड कॉफ़ी बनाकर डीप फ्रीजर में रख दिया है, और मैगी बन रही है तो थोड़ा सा मैगी बन जाए उसके यहाँ चलते हैं। रूम में एसी ऑन कर दिया है तो थोड़ा ठंडा हो रहा है रूम भी। मतलब समझ रहे हो, यही इसीलिए लेट हो गया क्योंकि कोल्ड कॉफी को थोड़ा सा फ्रीजर में डीप फ्रीजर में रखने का, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए तो बनता है ना, इसी के चक्कर में लेट हो गया। और हमारा मैगी जो है मैगी ठंडा हो गया है। तो गाइस जो मैं आपको बताया था कि मैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, उससे पहले एक काम करो, मेरा जल्दी से मैगी का जो व्यू है और कॉफी का व्यू है वो जल्दी से देख लो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। तो वो मेन मुद्दा ये है कि मैं लेने वाला हूँ एक चैलेंज फॉर 10 days 10 vlogs चैलेंज। सही रहता है, कैसा रहता है आप लोग बताना जरूर मेरे को। 10 दिन रहेगा, 10 दिन से 10 दिन के लिए 10 दिन लगातार व्लॉग्स आएंगे। अब देखते हो कब से स्टार्ट करा जाऊँगा, मतलब अभी तो हमारा क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस, इंटर्नशिप क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस, ये वो बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका है। बट जल्दी से जल्दी लूँगा, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चैलेंज लेने का, बट सोचते हैं कब क्या होता है। इसके लिए मैं रोक के रखा था आप लोगों को। आई होप आप लोग 10 दिन का जो चैलेंज है उसको उतना ही कोऑपरेट करोगे और उतना ही इन्जॉय करोगे, बस इसी यही बात थी, और इसी बात के लिए मैंने आप लोगों को रोक के रखा था। तो आई होप आप लोगों को जो गुड न्यूज़ था, गुड न्यूज़ अच्छा लगा होगा, और वीडियो भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर दो, so that you get all the updates of the new videos of my channel. This is Akshat Agarwal signing off with this vlog. Meet you soon in my next vlog. Tab tak ke liye keep loving, keep supporting and keep smiling. I feel like you want me, and I guess in a way you do. अब खुद को ऐसा लग रहा है कि हो गई शांति, बढ़ गई कजेज में ठंडक, कर लिया अपने आप को चैलेंज, अब कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आप लोग बताओ। वीडियो तो खत्म हो चुकी है, आप लोग जाओ और आप लोग कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। With you.